हाय गाइस लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू अ इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज और आई गेस सबको वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टिल अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कहीं कोई भी पॉइंट में दिक्कत है या फिर कुछ समझ में नहीं आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर ग्रुप में भी मुझसे बात कर सकते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन प्लेन पैलल शीट्स ऑफ चार्ज जैसे हमने लास्ट केस में एक पैल एक शीट ली थी ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी ऐसी अभी हम ऐसी दो पैल शीट रखने वाले हैं उसकी उस सिस्टम की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमें निकालनी है तो देखो यार कैसे कैसे अप्रोच रहेगा इसका तो आए गए टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा तुम लोगों को कि हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू थिन प्लेन पैल शीट्स ऑफ चार्ज मेरे पास ये ए है और ये बी दो शीट्स ऑफ चार्ज हैं जिनकी थिकनेस बहुत नेग्लेजिबल है तो आ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने से पहले सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि हर एक रीजन में देख लो कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या क्या है अब सिंस ये दो शीट्स हैं इनको मैंने तीन रीजन में डिवाइड किया है एक ये लेफ्ट वाला रीजन है एक सेकेंड रीजन और एक थर्ड रीजन है तो हम इन तीनों रीजन में देखेंगे कि डायरेक्शन uh, क्या क्या है ई e की तो फर्स्ट रीजन uh, में देखते हैं फर्स्ट रीजन में क्या है जो ए है ए शीट है सिंस ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसकी ई e की डायरेक्शन आउटवर्ड ही होने वाली है तो ई ए आउटवर्ड होगा और अगर मैं इसी रीजन इसी में बी की भी बात करूं तो सिंस है तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज तो इसका भी रिपल्शन आउटवर्ड ही होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी तो ईबी की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है अच्छा एक और बात है कि इनकी चार्ज डेंसिटीज जो है सरफेस चार्ज डेंसिटीज इसकी सिग्मा वन है और इस, इसकी सिग्मा टू है जैसे कि हम करते हैं सिंस ये एक टू डी सर्फेस है तो इसकी सर्फेस चार्ज डेंसिटी है इसकी सिग्मा वन और इसकी सिग्मा टू है और हाँ ये हुई रीजन वन की बात कि यहां पे दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है सेकेंड रीजन में देखा जाए तो ए की बात करें तो इसका आउटवर्ड होने का मतलब कि राइट हैंड साइड की तरफ अप्रोच करी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और यही हम बी के बारे में बात करें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच करी होगी रिपेलिंग होती है ना तो इलेक्ट्रिक फॉर अ पॉजिटिव शीट इसकी लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच कर रही होगी तो यहां पे अपोजिट डायरेक्शन है और थर्ड रीजन में देखो बी के लिए रिपल्शन होगा बी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द शीट होगी ऐसी ए के लिए भी जो होगी वो अवे फ्रॉम द शीट होगी ए शीट तो यही है हम हम बेसिकली हम एक रीजन में जरूर डिवाइड किया पर हम इसकी डायरेक्शन ही नोट करें चाहे वो जो पॉइंट है या रीजन है वो कितनी भी दूर, दूर क्यों ना हो पर शीट के कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा ना ए के लिए तो चाहे वो थर्ड रीजन है तो इसका रिपल्शन तो इसी डायरेक्शन में है जो कि ई e है ई e ए को डिनोट कर रहा है तो यार देखो दो, एक और चीज है जो कि मैंने एज्यूम करके रखी है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है लेफ्ट टू तो राइट उसकी डायरेक्शन जो है वो मैंने पॉजिटिव मानी है इसका क्या मतलब है यार एक नेट मतलब ई की डायरेक्शन मानी पड़ती पढ़, माननी है यहां पे क्योंकि इफ सपोज मुझे ये दोनों सेम सेम डायरेक्शन में मतलब जा रहे हैं और यहां पे भी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मुझे इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए एक ई e की डायरेक्शन माननी पड़ती है सपोज कर लिया मैंने ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट मतलब कि लेफ्ट टू राइट जो है डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है ज्यूम कर लिया और राइट टू लेफ्ट जो है नेगेटिव एज्यूम कर लिया अभी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है तो पहले तो हम निकालेंगे यार फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी जो टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी तो ई आई मतलब फॉर फर्स्ट रीजन वो होगी ई ए और ई बी का सम अब बेसिकली बात क्या है सिंस ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो होने वाला तो इनका सम ही है बट सिंस मैंने एक डायरेक्शन मान के रखी है कि अगर मैं राइट right से लेफ्ट में जाऊं मतलब राइट right से लेफ्ट में जाऊं तो मेरी जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो नेगेटिव मान के चल रही हूँ तो सम तो होगा पर ये दोनों का साइन नेगेटिव होगा आपस में क्योंकि डायरेक्शन सेम है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने एक ओवरऑल डायरेक्शन मानी कि लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड पर अगर जाएंगे तो नेगेटिव और अगर राइट right साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव तो दोनों का सम uh, हो गया माइनस ई ए माइनस ई बी तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यार तुम्हें याद हो एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने निकाली थी उसका फॉर्मूला सेंस वो तो सेम ही रहने वाला है तो उसका फॉर्मूला क्या था सिग्मा मतलब कि चार्ज डेंसिटी जो थी अपॉन में टू एप्स एल एनॉट तो सिंस इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वन थी तो इसके लिए सिग्मा वन डाला है माइनस uh, में सिग्मा टू अपॉन टू एप्साइल नॉट तो इसको मैंने लिख दिया वन अपॉन माइनस वन अपॉन टू एप्साइल नॉट मतलब ये कॉमन निकाल लिए और सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू कर दिया आई गेस इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तो देखो यार रीजन टू में क्या करना रीजन टू में भी हमने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन निकालनी है एक नेट वैल्यू निकालनी है तो ई टू वो क्या होगा अब देखो यार अब ई टू में देखो ईए की डायरेक्शन तो लेफ्ट से राइट right है पर जो बी के लिए डायरेक्शन है वो राइट right से लेफ्ट है तो मैं ई ए को तो एडिशन में रखने वाली हूं क्योंकि मैंने जो डायरेक्शन सपोज की थी वो यहां के लिए पॉजिटिव लेफ्ट से राइट right के लिए पॉजिटिव और राइट right से लेफ्ट के लिए नेगेटिव तो ईए को तो मैं एडिशन में रखने वाली हूं और उसमें से मतलब ऐड ही करने वाली हूं लेकिन क्या ऐड करने वाली हूँ माइनस ई e बी मैं ऐड करने वाली हूँ उसमें ठीक है ये बात तो अब इसको मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ सिग्मा वन अपॉन टू एप्स नॉट माइनस सिग्मा टू अपॉन टू एप्स नॉट तो मैंने इसका फिर से ऐसे कॉमन लेके इसको लिख लिया सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू राइट तो देखो यार रीजन थ्री बचा है हमारे पास ई थ्री अब इसमें देखो दोनों की सेम डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और ये सिंस पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दोनों को सिंपली एड ई ए प्लस ई बी कर दूंगी ई ए प्लस ई बी हो जाएगा और अगर इसको मैं सीधा डायरेक्ट कॉमन लेके लिख लूं जैसे मैंने और उसमें किया है सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू हो जाएगा इस केस में क्योंकि सिंस इस बार दोनों चार्ज डेंसिटीज मतलब जो है इनकी वैल्यूज जो है पॉजिटिव रहेंगी तो कॉमन लेके सिग्मा वन प्लस सिगमा टू और बाहर आ जाएगा वन अपॉन टू एप्साल नॉट आई गेस ये बात सबको समझ में आई होगी रीजियंस में हमने डिवाइड करके कैसे वैल्यू निकाली है अब मेरे पास एक स्पेशल केस है उस स्पेशल केस में हमने करना क्या है कि सिग्मा वन को मैं प्लस सिग्मा वैल्यू दे रही हूं और सिग्मा टू को मैं माइनस सिग्मा वैल्यू दे रही हूं इसका मतलब क्या है बेसिकली मेरे पास दो शीट्स हैं इसकी प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है इट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज है और अगर सेकेंड वाली जो शीट है उसकी माइनस सिग्मा डेंसिटी है तो इसका ये मतलब हुआ एक तो पॉजिटिवली चार्ज है और जो दूसरी है वो सेम ही मैग्नीट्यूड की है बट नेगेटिवली चार्ज है उसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है इट मीन्स चार्ज नेगेटिव है बाकी मैग्नीट्यूड सेम है तो इन दोनों की चार्ज डेंसिटीज एक की प्लस सिग्मा हो गई और एक की माइनस सिग्मा उस केस में जो हमारा ई रीजन में आया वो कैसे कैसे वैरी करेगा देखो ई वन की वैल्यू देखते हैं ई इन द फर्स्ट रीजन तो देखो यार फर्स्ट रीजन में हमने फॉर्मूला तो एक डिराइव करके रखा है तो यहां पे अगर मैं इसको सिग्मा वन सिग्मा वन की जगह सिग्मा पुट करती हूँ और यहाँ पे माइनस सिग्मा पुट करती हूँ तो ये जीरो हो जाने वाला है तो फर्स्ट रीजन में जो है जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सेकंड रीजन में देखते हैं सेकंड रीजन में ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो हमारे पास वैल्यू आई थी सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू तो सिग्मा माइनस ऑफ माइनस सिग्मा तो ये टू टाइम सिग्मा हो गया ना और टू टाइम सिग्मा और नीचे टू टाइम्स एपसेलेन नॉट पड़ा है तो फाइनली वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्स नॉट राइट इतना समझ में आया तो सेकेंड रीजन में मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सैल नॉट वैल्यू आई और ऐसी अगर मैं थर्ड रीजन में देखूं तो थर्ड रीजन में देखो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू सेम केस है जैसे पहले था तो सिग्मा माइनस सिग्मा करूंगी तो फिर से जीरो आ जाएगा तो इसमें भी वैल्यू जीरो ही रहेगी तो बेसिकली एक स्पेशल केस है इससे हमें कुछ खास पता नहीं चला बट एक रिजल्ट है अगर मेरे पास दो शीट्स ये तो अभी सपोज पॉजिटिवली ही चार्ज थी इनकी चार्ज डेंसिटीजन सिग्मा वन सिग्मा टू थी मैंने कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी थी इनको तभी मैंने सिग्मा वन सिग्मा टू लिखा था अब मैंने स्पेसिफिक वैल्यू दी है इसको जैसे कि सिग्मा और माइनस सिग्मा तो उस केस में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारी कैलकुलेशन uh, हैं कुछ ऐसे रहती हैं फर्स्ट और थर्ड रीजन में जीरो और सेकेंड रीजन में सिग्मा अपॉन एपसाल नॉट तो इससे हमें यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट सर्फिस चार्ज डेंसिटीज जो कि मैंने ये केस में लिया है स्पेशल केस में दैट बिकम्स अ कॉन्स्टेंट दैट बिकम्स ए कॉन्स्टेंट से क्या मतलब कि सिर्फ सेकेंड ही केस मतलब सिर्फ सेकंड रीजन में चार्ज डेंसिटी की सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आई जो कि सिग्मा अप ऑन एप्सैलिन नॉट है जो कि कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है सिग्मा भी हमें पता है एप्सेलन एक कॉन्टेंट क्वांटिटी है तो एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं शीट्स अपोजिट चार्ज डेंसिटीज की, की लूँ और इक्वल इन मैग्नीट्यूड लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा बिटवीन द प्लेट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोड्यूस होगा लेकिन सिर्फ बिटवीन द प्लेट्स ना ही लेफ्ट साइड में और ना ही राइट right साइड में तो गाइज ये तो टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमने दो प्लेन पैनल शीट रखी थी चार्ज की तो गाइज इसके नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है अगर ड्यू टू अरिकल शेल ठीक है तो ड्यू टू ए स्वेरिकल शेल हमारा इसके बाद एप्लीकेशन का लास्ट टॉपिक बचेगा और उसके बाद हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे आई गेस वो जो टॉपिक है स्वेरिकल शेल वाला वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बिकॉज जो वीडियोस हैं वो अपलोड होनी या अगर टाइम लिमिट ज़्यादा बढ़ जाती है तो थोड़ा दिक्कत आता है अपलोड होने में तो वैसे ही थोड़ा नेटवर्क इश्यूज रहते हैं इसीलिए इस, इस लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट टॉपिक भी मैं बता रही हूँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो स्वेरिकल शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट डिफरेंट पॉइंट्स वो होगा उसके बाद हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे तो इस लेक्चर में इतना ही